गुजरात कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष पवन खेरा ने अहमदाबाद में पत्रकार परिषद का आयोजन कर गुजरात में चल रहे भारतीय जनता पार्टी के विरोध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। गुजरात हमेशा न्याय की लड़ाई में सबसे आगे रहा, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, महात्मा गांधी हो, और जवेरचंद जी की कविताएं पढ़ पढ़ के हम पढ़े। आज जब पूरे देश में गुजरात से जो खबरें आती हैं, एक बात की शर्मिंदगी महसूस होती है कि पूरे एक समाज से बड़े साहेब के दोस्त पुरुषोत्तम भाई हो गए, पूरे एक समाज से बड़े हो गए, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, कुछ नहीं करते, ये अहंकार है। और गुजरात के लोग, मैं जितना समझता हूं, उन्हें अच्छे अच्छों का अहंकार तोड़ना जानते हैं, वो अपने तरीके से अहंकार तोड़ते हैं, आवाज भी नहीं आती और घमंड टूट जाता। हमारा भी थोड़ा था, ऐसा नहीं है कि हमारा नहीं थोड़ा था, तो मुझे मालूम है कि जब गुजरात के लोग घमंड तोड़ते हैं तो क्या होता है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में सब गुजरात की तरफ देख रहे हैं कि अब गुजरात घमंड तोड़ने पर आ गया है। 10 साल कोई सत्ता में रहे और उसको अपनी रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय समाज में विवाद पैदा करने की आवश्यकता पड़ जाए, ये कहां का न्याय हो सकता है। अगर मैंने काम किया है तो मैं इनको इनसे क्यों लड़ाऊं, मैं तो चाहूंगा कि दोनों मिलकर मुझे वोट दें, मेरे काम पे मुझे वोट दें। 10 साल क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, इसका जवाब पिछले 2 चरणों में जो भाषण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हो रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा आपको। साहब, काम नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड के नाम पे कुछ नहीं है, वही पुराना बात, वही पुराने तरीके कि कैसे लोगों को व्यस्त रखा जाए, लोगों के अंदर गुस्सा पैदा किया जाए, लोगों के अंदर डर पैदा किया जाए कि डर और गुस्से की जरूरत ना है, अगर आपने काम फिर तो मोहब्बत होगी आपसे। लेकिन आपको ये समझ में आ गया है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपको भी समझ में आ गया है साहेब को कि अब मुश्किल हो गया। देखिए, कोई वीडियो फेक तो नहीं है, आधा है, पूरा है, दूसरी बात मैंने देखा नहीं। आलू और सोने का वीडियो किसने बनाया? राहुल जी ने तो कभी नहीं कहा था कि आलू से सोना बनता है, सोने से आलू बनता है, तो साहेब ने बोला था। राहुल जी ने उनकी बात को दोहराया था, पूरे देश में चला दिया कि राहुल गांधी ने बोला था। और अमित शाह जी तो बड़ा ऊंची ऊंची आवाज में अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे थे कि बीजेपी की आईटी सेल ऐसी है जो झूठ को सच बना देती है, करके बोला था, यही झूठ की वजह। अरे साहब, गृहमंत्री जी, आपसे थोड़ा बहुत हम भी सीख रहे हैं, सीख लेते हो, आप अपनी पार्टी को सिखाते हो कि कैसे झूठ को सच बनाया जाता है। अगर किसी ने जोश में आकर कर दिया है, आपकी पुलिस मुख्यमंत्री तेलंगाना के उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई, ये खतरा है संविधान, ये खतरा है संविधान।